हमने करना क्या है, जो मुझे नंबर दे रखा है उसके आगे ज़ीरो लगाओ और उसे टू से डिवाइड कर दो। टू से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा टू ये। तो अब जो इसी नंबर को फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने सबसे पहले करना है जो भी आपको नंबर दिया उसके आप ज़ीरो लगाएं और उसे टू से डिवाइड कर दें। तो जैसे आप टू से डिवाइड करेंगे तो टू से आप डिवाइड करोगे तो 4, 1, 2, 5। जो मेरे पास थ्री लिखा है, इस थ्री को आपने माइनस करना हमेशा टेन में से। तो जब आप टेन में से थ्री को माइनस करेंगे तो आप पास सेवन बच जाए, तो सेवन तो आप पास ही आ ही गया। अब पास ये वाला जो नंबर है ये, इसमें आप क्या करेंगे, एक इसमें पहले प्लस कर लेंगे वन, और वन प्लस करने के बाद आप थ्री हो गया। अब इस थ्री को आपने माइनस करना है पूरे इस 23 से। तो जैसे ही आप इस 23 से इस थ्री को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 20, और यही जो है डिवाइड कर लेंगे नंबर को ऐसे। एक तो मेरे पास इधर का नंबर अलग हो गया और इस लाइन का इधर का नंबर अलग हो गया। इसको हमेशा आपने 10 से माइनस करना है। जब भी आप 10 से माइनस करें तो आप पास 7 बचेगा। अब आपका जो 12 है, इसमें आप क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे जो कि 13 होता है, और इस 13 को हम माइनस कर देंगे 123 से। तो जब मैं 123 से 13 को माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 110। और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करना कुछ नहीं है, जो मेरे पास नंबर लिखा है बस ये वाला, उसमें आपने एक ज़ीरो लगा देना है इसके आगे, 1, 2, 3, 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करें तो आप पास नंबर लिखा 3, 4, 5, 6, बस आपने क्या करना है इसके आगे ज़ीरो लगा देना है। ऐसे आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपने करना क्या है, जो भी आप पास नंबर लिखा है 5, 2, 4, 5, 7, इसके आप ज़ीरो लगा दें। ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो पहला नंबर पास है 8, ये आप ऐसे ही उतार लें और यहाँ पे एक इसके पहले ज़ीरो लगा लें यहाँ पर, फिर 8 और 2 ये दोनों प्लस कर दें। जो भी आप पास यहाँ पर नंबर होंगे 8 और 2, 10, तो 10 में ज़ीरो हम लगा देंगे, एक मेरे पास यहाँ से कैरी आ गया। फिर अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3, 2 मेरे पास 5 हो गया, कैरी 6, और मेरे पास अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा 0 और 3, जो 3 होता है। तो मेरे पास ये इसका मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लगा लूँ, फिर उसके बाद जो आप पास ये 2 ऐसे कैसे कर जाएगा पास यहाँ पर, फिर 8 और 2 हम दोनों को प्लस कर लेंगे 10 हो जाएगा, फिर मेरे पास 1 एक यहाँ पर कैरी और आ जाएगा, 5 + 8, 13 हो गया, और 1, 14, फिर बस फिर 1 कैरी होगा, 6 और 5, 11, फिर और 12, फिर 1 कैरी होगा, 9 और 6, 15, फिर 1 कैरी होगा, 16, फिर मेरे पास 1 कैरी। अब ये 0 और 9 लास्ट में हमने जोड़ना है, जो हमारे पास 9 होता है, 9 और 1, 10। तो ये हमें पर आप लगाते हैं 0, और 0 लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 से। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बस ये हो जाएगा 14, और 14 का आप यूज़ करेंगे 4, 1 आप पास हो गया कैरी। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को फिर आप प्लस कर लेंगे, तो 2, 2 जो 4 और 7, 11 हो गया, और 1 आप पास यहाँ पे तो जो 12 हो गया, तो 12 का आप 2 यूज़ करोगे, 1 आप पास अभी भी कैरी। अब आप क्या करोगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 2 में प्लस कर देंगे, तो अभी तो 0 ही हो गया, 0 और 2 आप 2 हो गया, 2 में फिर आप पास 1 यहाँ से कैरी है, या आ गया 3। बस पहला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3 से, तो 3 से जो मल्टीप्लाई तो 4, 3 जो 12, तो 12 का 2 मेरे पास 1 कैरी आ गया। अगली बार में आपने क्या करना, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, और 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 जो 9, और इस 9 में आपने ये वाला 4 प्लस कर देना है, तो 3, 3 जो 9 और 4, 13, 13 और 1 मेरे पास ये हो गया, मेरे पास आ गया 14, फिर मेरे पास ये 1 कैरी है। तो इसके आगे ध्यान करना, यहाँ 0 रहेगा हमेशा, तो 0 तो और 0 में फिर अब ये 3 प्लस कर दो, तो 3 आएगा, और 1 आप पास ये रहा, तो आप पास हो गया टोटल 4। क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, पहले नंबर को आप पास आ जाएगा 8। अब क्या करें, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर आप पास ये जो 2 है इसके अंदर प्लस कर दो, यानी आपने ये दोनों प्लस करने, तो 12 और 2, 14 हो गया, 14 का आप क्या करेंगे 4, फिर 1 आप पास यहाँ कैरी हो गया। अब यहाँ ध्यान रखो, आपने यहाँ 0 रखना है, 0 के बाद ये तो 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 + 3, 3 होता है, और 3 में फिर आप ये 1 प्लस कर दो। ये 15 से मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, मेरे पास जो नंबर ये लिखा है पास ये 1, 2, 5, इसमें एक 0 लगा दो और फिर इसका हाफ कर दो, हाफ करके आप पास आ जाएगा 625, और आप इन दोनों को प्लस कर दो 5, 7, 8, 1, और यही आप पास आंसर है 1875। अभी आपको नंबर ये दे रखा है, इसके आगे पहले 0 लगा दो, और 0 लगा मैं फिर इसका आधा कर दो, तो आधा पास हो जाएगा 120, और दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद जैसे ही आप दोनों को प्लस करो तो आप पास आंसर आ जाएगा 360, तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 360 ही आंसर आएगा। सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 लगा दो, और 0 लगा फिर इसका आधा कर दो 1, 2, 2, 0, और दोनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 6, 6, 0। सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 0 लगाना है, और 0 लगा फिर मुझे इसका आधा कर देना है, तो आधा करोगे तो 2, 6, 2, 8, 0, और फिर उसके बाद क्या करना, आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो जैसे आप इन दोनों को प्लस करें तो आपका आ जाएगा 0, आप पास आ जाएगा 13, और फिर आप पास ही हो जाएगा 7, 8,
छः, फिर यहाँ पास ये भी एट और यहाँ पास सेवन। ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 की 67 में, तो हम पहले देखेंगे दोनों के डिजिट, जितने डिजिट यहाँ पर है उतने डिजिट आपके पास यहाँ पर भी है। तो जब भी आप इस तरीके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस नंबर को माइनस करना है 100 से। 100 से जब आप इसे माइनस कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 33। और फिर माइनस करने के बाद अब जो आपके पास ये नंबर बचा हुआ है इसमें से आप 1 माइनस कर देंगे, तो जैसे ही 1 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 66। तो ये है इसका आंसर। सिमिलरली यहाँ पर भी 99 की मल्टीप्लाई 32 से करोगे तो पहले 32 को माइनस करेंगे 100 से। जैसे 32 को आप 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68, और इसमें से आप एक कम कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 31। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप यहाँ पे माइनस कीजिए, पहले इस 59 को हम माइनस करेंगे 100 से तो मेरे पास आ जाएगा 41, और फिर इस 59 से एक कम कर दें तो पास आ जाएगा 58। ये आंसर। दोनों को इनको प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और इन दोनों के बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस रहेगा। तो जब 10 हो, इन दोनों को प्लस करेंगे, बीच में 1 का डिफरेंस हो, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनके बीच में एक नंबर ढूंढना है जो बिल्कुल इनके बीचों बीच होगा। इस केस में प्लस नंबर है 30। ये 30 से 4 ज़्यादा है और ये 30 से 4 कम है, तो ये 4 जो है इसका आप स्क्वायर कर लें, 4 जा यानी 4 की 4 मल्टीप्लाई कर लें तो आपका 16 आ जाएगा, और इस 16 को आपने माइनस करना है 100 से। तो जैसे ही 100 से माइनस करें तो पास आ जाएगा 84। अब आप ये देखें इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, उसमें एक प्लस कीजिए बड़े में, 4 हो जाएगा, 4 की 2 मल्टीप्लाई करते हैं बस 8 आ जाएगा आंसर। सेम आप यहाँ भी देखें, इनके बीच में 90 है, ये 1 ज़्यादा है, ये 1 कम है, तो जो 1 आपके पास आया 1 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 को 100 से माइनस करते हैं तो 99 आ गया। और आपके पास यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 9, उसमें 1 प्लस कीजिए 10, और 10 की मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 8। दोनों को प्लस करके 10 आएगा, हमेशा 10 आएगा इनको प्लस करके, तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो है हमेशा 1 का डिफरेंस रहेगा। तो बस अब आपने क्या करना, अब ये चेक करो कि पहले ये देखेंगे हम कि इनके बीचों बीच कोई ऐसा नंबर लेंगे जो उनसे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर हो, यानी जितना दूर उस नंबर से इतनी दूर ये है उतनी दूर आपके पास ये भी होगा। तो मेरे पास इस केस में जो पास वो नंबर है वो मैं यहाँ लेता हूँ मान लीजिए 60। तो जैसे मैं 60 लूँगा तो आपको पता है 60 से आपके पास ये 7 प्लस करके आएगा, और ये 60 से आपके पास ये 7 माइनस करके आएगा। तो अभी जो आपके पास 7 आया है, आप इस 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 7 आपके पास कितना हो गया 49, और इस 49 को 100 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, जब 49 को माइनस हो उनके पास बचेगा 51। और आपके पास ये जो 6 है, ये जो बड़ा वाला नंबर है, इसमें आपने क्या करना है, प्लस 1 करना है, तो ये 7 हो जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई 5 में कर देनी है तो आपके पास ये आ जाएगा 35।